और आप लोग शादी का बारे भी बोलते हैं कि कब शादी है, तो यही सब थोड़ा थोड़ा इधर भी अपना देखना होता है ना, तो भतीज का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण शादी भी अभी स्टॉप है। स्टॉप है और आने वाला दिन में मतलब एक दो महीने में हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा, सब भतीज सब कर दिए, बस फिक्स हो ही गया है, फिक्स हो गया है, बस शादी का डेट बस फिक्स करना है, वो भी हो जाएगा, जल्द में हो जाएगा शादी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं साइंस वाला शंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, अभी हम खाना खा करके और आ गए हैं मड़ई, और ये देखिए मड़ई का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, और उधर भतीज और एक भैया हैं, वो लगे हुए हैं काम पे, और हम भी आ गए हैं, और ये देखिए इधर पूरा एकदम बनाया गया है, ये देखिए मस्त एकदम मीठे से बनाया गया है ये देवता। चलिए, आज जागरण है और कल पूजा है, इसीलिए पूरा साफ कर देना है, पूरा एकदम चारों तरफ से। इधर से तो साफ हो गया है, बस उधर साफ करना है, तो अभी भतीज साफ कर रहे हैं और हम भी आ गए हैं, ये देखिए इधर लगे हुए हैं। हाँ, चलिए कर दे रहे हैं। हाँ, हर साल सफाई करते हैं इसी तरह। हाँ, इसी तरह सफाई करते हैं, इसी तरह साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर जागरण होता है, दूसरा दिन ही फिर पूजा करते हैं। अभी कैसा है संदीप, कैसा है अभी? ठीक है, अभी ठीक है, तो अभी आए हुए इधर की सोचे कि गांव का काम है तो थोड़ा इधर भी करना जरूरी है। जरूरी है, थोड़ा संदीप का प्रॉब्लम है, इसी कारण हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भतीज भी पूरा टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गया है। हाँ, क्योंकि अचानक एकदम नस खींचने लगता है और अचानक एकदम गिर जाता है जमीन में, तो वही बीमारी है, इसलिए हम लोग के साथ में अभी ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि भतीज भी अपना रहते हैं इधर उधर, बहुत ही उलझन में रहते हैं। अभी 15 दिन हो गया, अभी सही से हमको भी बीमारी जैसा लग रहा है। अच्छा, हाँ बात तो सही है, गाँव का काम है तो इसीलिए आ गए, अभी तो खाना उना खा रहा है, थोड़ा खा रहा है ना। ठीक, कल तो ले गए थे ब्लॉग में देखे थे। हाँ, कल ही ले गए थे हॉस्पिटल, वहाँ अच्छा। से फिर दिखा के और लाए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सीटी एक्शन कराओ, तो भी कराए और अभी दवा चल रहा है। तो अभी ठीक है ना, मैं ना कुछ हो रहा। हाँ, अभी ठीक है। भतीज का भी चैनल है रमेश राज ब्लॉग्स। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट मिलने से घर भी अच्छा चले। हाँ, एकदम सब बिना सपोर्ट के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ, इसलिए सपोर्ट कीजिए भतीज को, कुछ कर पाए। भतीज भी पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, करते हैं, हमारे वीडियो में आते हैं और उनके वीडियो में भी हम आते हैं, और बहुत ही साथ में मिलजुल के काम करते हैं। और आप लोग शादी का बारे भी बोलते हैं कि कब शादी है, तो यही सब थोड़ा थोड़ा इधर भी अपना देखना होता है ना, तो भतीज का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण शादी भी अभी स्टॉप है। और आने वाला दिन में मतलब एक दो महीने में हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा, सब भतीज सब कर दिए, बस फिक्स हो ही गया है, फिक्स हो गया है, बस शादी का डेट बस फिक्स करना है, वो भी हो जाएगा, जल्द में हो जाएगा शादी। हाँ, यही सब कमेंट करते हैं तो बोल दिए। हाँ, चलिए, थोड़ा ये सब समय लगता है थोड़ा। हाँ, हम लोग को भी लगातार तो नहीं ना होगा। हाँ, ये सब इधर उधर भी देखना पड़ता है। हाँ, सब रिश्तेदार से भी पूछना होता है। हाँ, सभी कुछ सबसे बाद में शादी करके। हाँ, शादी, क्योंकि शादी मजाक चीज नहीं ना है, बार बार नहीं ना होता है। हाँ, इसीलिए सभी कुछ हो गया है, बस अब शादी का डेट बस फिक्स हो जाएगा, तो फिर बता देंगे, फिर आप लोग को अगले ब्लॉग में बता देंगे। हाँ हाँ, तो चलिए अभी काम करते हैं यहाँ। हाँ, काम करते हैं इधर, ये सबको हटाना, लगभग में हो ही गया है इधर, देखिए पूरा सफाई इधर हो गया है ना। हाँ, अब बस इधर बचा हुआ है पूरा, बचा हुआ है, तो ये सबको साफ कर रखेंगे और फिर चलेंगे। हाँ, भैया थक गए हैं तो हम कर दे रहे हैं इधर, क्योंकि इधर पूरा किए ना, खोल दिए, ये देखिए पूरा एकदम वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खोले भतीज और भैया मिल करके। हम थोड़ा पीछे हो गए क्योंकि थोड़ा खाना खा रहे थे ना। हाँ, और भी लोग आए थे तो उन लोग चले गए, बस उधर साफ करके चले गए ना। हाँ, उधर कर दिए उन लोग, उधर साफ किए और इतना सारा चलेंगे साथ, बहुत जल्द हो जाएगा। हाँ, इधर घेराव भी करना है। हाँ, चारों तरफ से, और मंदिर भी बनना है, धीरे धीरे सब धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग का पूरा एकदम छुला हुआ हो गया,
ये देखिए पूरा साफ कर दिए ना भतीजी। हाँ हो गया। चलिए चलिए उधर थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी थोड़ा कर देते हैं। और उधर बचा हुआ है? हाँ वो लिपी है थोड़ा सा। चलिए उधर है। और ये देखिए अभी लिपाई करने के लिए आ गए गुरु का माँ, आनंद का माँ है। चलिए लिपाई कीजिए, अच्छा तरीके से लिपाई कर रहे हैं। और इधर है थोड़ा साफ करने का, चलिए इधर साफ कर देते हैं। हम लोग का मड़ई में काम खत्म हो गया। हाँ और बस लिपाई करने का है। हाँ तो उन लोग लिपाई करेंगे। हाँ हाँ चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। अभी हम भिंडी बाड़ी आए हुए हैं दोस्तों। एक आदमी बोले कि आपका भिंडी का पास एक ठो बैल आया हुआ है, तो वही देखने आए हुए हैं। तो ये देखिए अभी तो नहीं है, लगता है ले गए जिनका होगा वो। तो चलिए अभी तो इधर नहीं है बैल, वो दौड़ा करके जल्द ले गए होंगे, नहीं तो उधर पूरा एकदम वो ना पूरा एकदम आ जाता है, उसका एकदम आदत हो गया है बैल का, एकदम रोज आता है और रोज खा करके चल जाता है उधर, पूरा उधर खाए हैं और एक दिन तो इधर खा दिए थे। चलिए वो ले गए हैं, अब किसका है पता नहीं, उसको जिस दिन पकड़ेंगे उसी दिन बोलेंगे कि ऐसा मत कीजिए, उसको खूट दीजिए बैल को, क्योंकि खा देते तो थोड़ा ख़राब लगता है। चलिए ये देखिए कल टूटेगा लगता है भिंडी, एकदम अच्छा अच्छा है। ये देखिए पूरा एकदम बड़ा बड़ा भी हो गया है, कल भिंडी तोड़ेंगे टूटेगा तो। चलिए इधर देख लिए भिंडी, आज नहीं हिला हुआ था, इधर से चल गया लगता है। हम भिंडी बाड़ी से अभी आ गए जंगल का किनारे। ये देखिए जंगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और चलिए अभी जा रहे हैं इधर, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी थोड़ा झरना जा रहे हैं। और ये देखिए का रे क्या करने आई, भेज रहा हूं। ए देखो मोबाइल रखी है। ले मेरा तो मोबाइल किसका है? भैया का मोबाइल। चलिए अच्छा है, चार्ज नहीं है इसीलिए दे दिए। तब इधर है भैया ना? हाँ चल गए उधर। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है ना? चार्ज नहीं इसीलिए भैया दे रखे, दे तो थोड़ी देते हैं। चलिए चलते हैं झरना की ओर। जाएगी झरना? नहीं हम नहीं जाएंगे। बैल देख रही ना? बैल देख रही। अच्छा चलो इधर, बहुत ही अच्छा लगने लगता है ना। बैल किधर की है? उधर है बैल। चलिए हम लोग झरना के पास पहुंच गए। और ये देखिए पूरा एकदम हदहद हदहद कर रहा है, लगता है भकभका पानी आ रहा है, पूरा पानी आता है ना। हाँ। चलिए आज हम आ रहे हैं इधर। पूरा पूरा भर गया? हाँ तो। ये भैया बोल रहे पूरा भर गया है। और ये देखिए भतीज। हाँ बैल को उधर कर दिए। हाँ आप इधर आ गए ना, हम गए हुए थे भिंडी बाड़ी। अच्छा उधर एक तो बैल गया हुआ था। हाँ तो एक आदमी बोले कि चल गया है, तो इसलिए हाँ, देखने तो गए हुए थे। तो वहाँ मतलब हेलता है रोज, रोज जाता है वहीं पे। हाँ तो हम इधर बैल खुटा हुआ था ना, तो डेली शाम को हाँ। शाम के समय में खोल देते हैं, क्योंकि घूम अच्छा। फिर के थोड़ा चढ़ते हैं, थोड़ा पेट भरता है। बात तो सही है। अभी संदीप का भी तबीयत खराब है, तो वही पहले खोलता था, तो अभी हमको डेली आना ही पड़ता है। आदमी तो बोर होते होंगे कि डेली डेली बैल बकरी यही सब दिखा रहा है। देखिए यही सब हम लोग का है, ज्यादा मेहनत हम लोग बहुत ही करते हैं। हाँ। क्योंकि काम काज रहता है ना, किसान है। गांव में कितना मेहनत हाँ। होता है, बहुत ही ज्यादा, जो रहता है वही दिखाते हैं हम लोग। हाँ है ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय।